फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो में। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं नेदर गेम्स। गाइस बिल्कुल सही गाइस। तो यार बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप नेदर गेम्स क्यों नहीं खेलते। फाइनली गाइस हम नेदर गेम्स लेकर आ चुके हैं। सो यहाँ पर मेरे को यूट्यूब रैंक यार कुछ ग्लिच हो गया था, जिससे उन लोगों ने मेरे से हटा लिया था, या ग्लिच कह सकते हैं या हट गया था। तो फाइनली उन लोगों ने मुझे वापस कर दिया है यूट्यूब रैंक। तो अगर लाइक मैं यहाँ पर हाई हेलो लिखूँ, वेट वेट वेट, यहाँ पर इमोट्स हैं। एंड हाँ यार, इमोट्स ही नहीं यूज़ करता था, तो यार इमोट्स मेरे पे बहुत मस्त मस्त हैं। सो कोई नहीं, बाद में भी और ज़्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पर लाइक मैं हाई लिख के देखता हूँ। ये देखो गाइज आप लोग सी, तो यहाँ पर ये यूट्यूब रैंक हट गया था, सिर्फ डिफ नू वाइटी आ रहा था। एंड मेरे पास यार बहुत सारे फ्रेंड हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं यार ऐड नहीं कर पाता हूँ। तो यार उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलो गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्काई ब्लॉक। बाकी यार देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बेड वॉर्स की या फिर अनदर स्काई वॉर्स की भी वीडियो डालूँ, तो देखो मैं फ़ोन प्लेयर हूँ गाइस, पहले बता देता हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाऊंगा। बट अगर आप लोग चाहते हो तो मैं अपलोड कर सकता हूँ उसकी वीडियोज़। सो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को बेड वॉर्स और स्काई वॉर्स की वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं स्काई ब्लॉक। तो चलो यार, सबसे पहले टीपीपी से एफपीपी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम टीपीपी से एफपीपी में आ चुके हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि गाइज देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का। एंड यार अभी तक किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं करा तो करो। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो सबसे सिंपल चीज़ है, अगर आप लोग न्यू हो मतलब नेदर गेम्स में, तो ये सीजन 2 चल रहा है हमारा, पहला वाला जितना भी ग्रैंड था वो सब गायब हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा। सो यहाँ पर अगोरा इनकी लॉबी को कहा जाता है, स्काई लैंड की जो लॉबी है ना, स्काई ब्लॉक की लॉबी, उसको कहते हैं अगोरा। तो यहाँ पर आप अगोरा पे क्लिक करोगे तो आप लॉबी में जाओगे, अगर स्काई लैंड पे क्लिक करोगे तो सीधा आप अपने आइलैंड पे जाओगे, मतलब स्काई लैंड, स्काई आइलैंड। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। और भाई पता है क्या हुआ था, जब मैं बॉस फाइट लड़ रहा था ना, तो मेरा एक जी सूट यार गायब हो चुका था, जिसकी वजह से मतलब मैं बहुत ही तंग हो चुका था, मतलब अपसेट हो गया था यार, जी सूट चला गया। बट एक बंदे ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, जिसका मैं आप लोगों को आइलैंड दिखाना चाहता हूँ, और वो बहुत ही मस्त है, वो आप लोग भी लोगे इसका। और ये यहाँ पर एक बंदा आ चुका है, यो ब्रो आ गए भाई, तो अच्छी बात है। मैं नहीं हूँ, मैं डिफरेंट मूव नहीं हूँ, तुम गलत आइलैंड पे आ चुके हो, हम गधे, क्यों बहुत ही गलत बात है। एंड यहाँ पर इसको बोल देता हूँ थैंक्स ब्रो, यहाँ पर मेरे को आइलैंड लॉक करना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं आइलैंड लॉक नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला था, इसलिए मैं आइलैंड अनलॉक करके रखता हूँ, बट अभी अनलॉक करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहाँ पर प्राइवेट आइलैंड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अब कोई नहीं आ सकता। एंड वो चला भी गया, माई एफ ओ बी गेमिंग, ओके वो बोल के चला गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो इतना सारा मनी है वो कहाँ से आया, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो सिंपल, अब मैं ये सब नहीं पहनना चाहता क्योंकि यार इससे ना जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर लॉबी लिखेंगे, और हमने चेस्ट वो सब मैंने बोला था कि वो क्वेस्ट सब कंप्लीट करूँगा। बट सबसे पहले आप लोगों को धमाकेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, चूँकि यार मैं देख के बिल्कुल तंग हो गया था कि अगर आप लोगों को भी ऐसे जी सूट चाहिए या फिर इतने मस्त मस्त एन्चांटमेंट वाले अगर आप लोगों को स्टफ चाहिए, तो एक बंदा है जिसकी लॉबी में आप जा सकते हो। तो आप लोग वैसे पब्लिक आइलैंड में सर्च करना, ठीक है, वैसे मेरा दोस्त बन चुका है वो। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर सर्च आउट करता हूँ, ये कहाँ गया, वो भाई का नाम कुछ वैसा था, ये रहा संतान, ये रहा सनातन भाई। तो यहाँ पर देखो मैं उसके आइलैंड पे ज्वाइन करता हूँ, आप लोग नाम ध्यान से लिख लेना, सनातन भाई का नाम है। तो ये आइलैंड है, तो आप लोगों को ये आइलैंड सिंपल दिख रहा होगा, बट इसमें कुछ अमेजिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं कुछ। देखो आप लोगों को बताता हूँ, जस्ट यहाँ पर सिंपल। एंड ये चीज़ भी मेरे को पता नहीं थी कि ऐसी चीज़ भी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, ये ब्लॉक भाई ने ऐसे लगाया है, मैं बताता हूँ इस ब्लॉक का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये भाई के ऊपर शॉप है गाइस, बिल्कुल सही सुना, शॉप है। तो देखो यहाँ पर आप ऊपर जाओगे, जंप का बटन दबाना, आप ऊपर आओगे, फिर जंप दबाना, आप ऊपर आओगे, एक और बार जंप, और यहाँ पर फाइनली आ चुके हो। तो देखो ये भाई की शॉप है, तो यहाँ पर अभी तो कुछ भाई ने डाला नहीं है, ये खाली है। बट ये जो है वो शॉप है गाइस, जहाँ पर आप लोगों को एक से एक तगड़े तगड़े आइटम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये भाई ने लिख रखा, देख सकते हो, क्लिक हियर इफ़ यू रेडी टू ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये है जो कि पूरी की पूरी शॉप है, यहाँ पर आप लोगों को देखो क्या मिलेगा, जी शॉवल है जो कि प्राइस है, भाई ने यहाँ पर लिख रखा है। तो अब वो भाई से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है जो कि बहुत तगड़े तगड़े हैं, तो इसी में से मेरे को मिला है, देखो यहाँ पर एन्चांटमेंट भी है, और यहाँ पर शार्प एंड ये सब प्राइस भाई ने लगा रखा है। जो कि यार देखो, अगर आप वहाँ पर जाते हो ऑक्शन में, तो वहाँ पर महंगे मिलेंगे आप लोगों को, और मैं कोई इनका प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, क्योंकि मैं भी देख के चौंक गया था। मैं ऑक्शन में गया था, तब मेरे को भाई ने बोला कि तुम मेरी शॉप से बाय करो, तब मेरे को भाई ने ये जी सूट ये सब कुछ फ्री में दिए गाइस, ये देख रहे हो, और कितने सस्ते प्राइस है गाइस इन सब के। और ये जो मनी है ये भाई ने ही दिया है, तो मेरे को वॉल ऑफ फ्रेम लगाना है, और ये ना लेवल 9 का स्पॉनर भी है, 8 का भी है। तो जो भी आप लोगों को चाहिए होगा वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये कुछ ऐसा शॉप है जो कि आप लोगों को देख सकते हो, और यहाँ पर ये नो फ्रेंड, ये क्या नो फ्रेंड कैसे एक्सेप्ट, नो नो बैग, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं भाई ने,
एंड यहाँ पर काउंटर थ्री, ओ लोल, मतलब इनके पूरे के पूरे वो है ये रहा सनातन भाई, तो इन्होंने पूरा वो लगा रखा, तो यार मस्त चीज़ है, तो यही चीज़ है भाई, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। तो चलो यार अपने आइलैंड पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने आइलैंड पे, तो यहाँ पर थोड़ा रात हो रहा है, तो इसको यार सुबह, ओ भाई ये क्या हो गया, मैं थोड़ा ग्लेश से डर गया था। तो यहाँ पर रात हो रही है, तो बेड 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 नहीं है मेरे पास यार, बहुत गलत बात है। एंड वैसे मैं आज हॉल ऑफ फ्रेम बनाने वाला हूँ, तो यार देखो बेड जब तक है ही नहीं, तो चलते एक बार अपनी लॉबी में कुछ खरीदते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लॉबी में गाइस, तो मेरे को चाहिए होंगे थोड़े बहुत, तो यहाँ पर पहले ना फ्लाई मोड अनेबल कर लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पर फ्लाई। ओके तो यहाँ पर मैंने फ्लाई मोड अनेबल कर लिया है गाइस, अब ये मत बोलना फ्लाई मोड कैसे खेल रहा है भाई, मेरे पर यूट्यूब रैंक है, तो मुझे चाहिए थोड़े बहुत ब्लॉक्स। देखो तो यहाँ पर आज मेरे को हॉल ऑफ फ्रेम बनाना है, जिसमें यार मैंने बात करी थी, तो तुम लोगों ने बोला था हाँ बनाओ, तो उसमें यार आप लोगों के नाम लिखे जाएंगे गाइज, जिनका बहुत अच्छा कमेंट होगा, एंड साथ साथ वो भी कि जो मेरे को बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं लाइक मनी, क्योंकि भाई वो अप्रिशिएट करते हैं मुझे और मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर अब मुझे चाहिए ओक वुड नहीं है, स्प्रूस वुड बहुत सारी है, ब्रिज नहीं चाहिए, जंगल नहीं चाहिए, अकेशिया नहीं चाहिए, नैदर नहीं चाहिए, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स थोड़ा अच्छा है, एंड यहाँ पर पैक डाइस लेना चाहूँगा मैं गाइस, यहाँ पर पैक डाइस ले लेते हैं, 1000 रुपये का ईच दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे को पैक डाइस देखा जाए तो मेरे को 2 स्टैक मतलब 64 124, एंड मेरे को इतनी गिनती नहीं आती, मैं 240 खरीद लेता, तो साफ सीधी बात है। ओके थोड़े से कम पड़ गए हैं। और यहाँ पर कितना, ओ मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, कोई नहीं, काफ़ी पैसा, भाइयों ने मेरे को बहुत सारा पैसा दिया है आप लोगों ने। ग्लोस्टोन, हमारे ग्लोस्टोन की भी ज़रूरत है यार, तो ग्लोस्टोन भी लेंगे, तो ग्लोस्टोन ज़्यादा नहीं, 128 काफ़ी है, 2 स्टैक इजी पीजी। एंड यहाँ पर इन सबको थोड़ा साइड रखा जाए, एंड थोड़े से अब मेरे को बिल्डिंग ब्लॉक्स खरीदने हैं, जो कि हमारे होंगे क्वार्ट्स ब्लॉक, जो कि आप लोगों को पता ही है। एंड वेर इज़ द क्वार्ट्स, ओके यहाँ पर क्वार्ट्स ब्लॉक है, तो यहाँ पर बाय करना मुझे, नॉट सेल, और 70 रुपये का दे रहे हो, ये तो बहुत ही सस्ता है गाइस, तो यहाँ पर मैं अभी ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 128 नहीं 240 नहीं 248 ले लेते हैं यहाँ पर इजी पीसी। यहाँ पर 4 स्टैक, ओ 4 स्टैक फिर से मैथ गरम, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर डिप भाई यू ब्रॉड, अच्छा ये कौन कर रहा भाई, ये डिप भाई ये विस्पर कर रहे हैं यार, तो सॉरी यार मैं अभी चैट नहीं कर सकता, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत तो स्टफ़ ले लिए हैं, बट यार ये भी मेरे को लगा थोड़े से कम पड़ेंगे, क्वार्ट्स ब्लॉक थोड़े से और ले लेते हैं। एंड मेरे को यहाँ पर कहाँ पर है, आई थिंक होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है, सैंड खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ग्लासेस चाहिए गाइस, और ग्लासेस तो यहाँ पर सैंड ही खरीदनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए, तो यहाँ पर 256 आप बिल्कुल सही होगा, या तो 4 स्टैक हो चुके, तो यहाँ पर मेरे को थोड़े से क्वार्ट्स भी ले लेता हूँ, 256 ही क्वार्ट्स की भी खरीद लेते हैं, एंड यहाँ पर 256। ओके तो यहाँ पर जो हमारी हो चुकी है इजी पीजी, एंड भाई ने यहाँ पर करा है, तो यार ये लो, हेलो भाई, हेलो हेलो ब्रो, हेलो हेलो, कोई बात नहीं, चलो बहुत मीटअप हो लिया, चलो गाया बोल लेते हैं। ओके तो यहाँ पर हम शॉपिंग करके आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जस्ट मेरे को सबसे पहले बेड बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 मैंने स्ट्रिंग्स खरीद ली थी, मेरे को पता था कि वूल से आराम, मतलब स्ट्रिंग से तो वो बन जाता है बेड। एंड यहाँ पर अबे मेरे सारे लेजेंड किट ले गया क्या, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर यार लेजेंड किट यार भाई को मैंने दे दिया था, क्योंकि भाई ने मुझे जी सूट दिया था, तो उसके बदले मैंने लेजेंड दिया था। और यार हेजी बारबेक्यू मेरा चुरा के ले गया, उसको बोलना पड़ेगा, अगर हेजी बारबेक्यू तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे को मेरी ओपिसोड वापस करके जाओ। और भाई ने यार मेरे को मिनी माइनर भी दिए थे, तो इनका भी आज काम करेंगे, ठीक है, तो मिनी माइनर लगाना है, थोड़ा हॉल ऑफ फेम सजाना है, एंड अभी और कुछ सोचा नहीं है, तो चलो पहले बेड बना जाए, बेड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे लिए, एंड यहाँ पर बेड बन जाएगा, तो या यहाँ पर हमारा बेड आ चुका है, पहला बेड, एंड बेड स्लीप गाइस, एंड अब सुबह करेंगे हम यहाँ पर, एंड यहाँ पर इजी पीजी, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार सुबह हुई है। एंड मेरे पता एंडर चेस्ट में बहुत ही कचरा सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इतना कचरा सामान तो किसी के भी चेस्ट में ना हो, पता नहीं मैंने क्यों रख रखा, मतलब देखो यार इतनी टट्टी वाली पिकेक्स, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एंड ये सब जो है ये जनता में बांट दूंगा मैं पैसा ही पैसा होगा, चिंता मत करो आप लोगों को मिल जाएगी, जो जो गरीब लॉन्डे हैं उन सबको मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पे बहुत ओपी सामान आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यार एक बंदे ने बोला था कि भाई आप लोग, आप पे बहुत ज़्यादा स्टफ आ जाता है, तो देखो ये जी सूट है, ये मैं संभाल के रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यार अगर
आप लोग इसमें से कोई भी, मैं किसी एक बंदे को ये जो जी शूट है ये उसको गिफ्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं यूज़ करूँगा। आपने एक बंदे का कमेंट है, मैं उसका नाम भूल गया यार, तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो जी सूट है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा, एंड ये सब मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं सिंपल एक नॉर्मल पिप्पल की तरह खेलूँगा, तो या एंड भाई मनी का कुछ नहीं कर सकता भाई, देखो बात साफ सीधी बात है, मनी मेरे दोस्तों ने दिए मेरे को, तो उसमें कोई वो नहीं, कुछ भी कुछ भी। एंड यहाँ पर ये जो स्टफ़ है इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, क्योंकि अभी शॉवल और मेरे को एक्स की इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड वुड को भी यहाँ पर रख देते हैं हम इजी पीजी, एंड यहाँ पर एरो इस साइड जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड ये वुड क्या कर रही है मेरे पास, अब मेरे को एक हॉल ऑफ फ्रेम बनाना है जो कि मस्त वाला बनाना है। देखते हूँ कहाँ बना सकता हूँ मैं हॉल ऑफ फ्रेम, देखो पूरी जगह अपनी है गाइज यहाँ पर, तो मेरे को थोड़ी सी स्पेशल जगह देख रहा है यहाँ पर कि मेरा जो हॉल ऑफ फ्रेम है वो सभी को मस्त दिखना चाहिए। अरे स्प्रूस का जंगल है क्या ये? ओह स्प्रूस की वुड भी है यहाँ पर थोड़ी बहुत, तो कोई बात नहीं है, जंगल बहुत ही बड़ा है हमारा। तो हॉल ऑफ फ्रेम भाई मैं अपने इसके पास तो बनाना नहीं चाहता यार, अभी हमारा चैलेंज चल रहा है लाइव स्टॉक वाला, जो कि क्वेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, बट सबसे मेन है हमारा थ्रोन बनाना। तो थ्रोन आई थिंक इसी साइड बना लेते हैं, या फिर एक दो पेड़ हमें कट करने पड़ेंगे, तो उस साइड यार फिर इसी साइड बना लेते हैं, क्योंकि यार फिर बाद में एरिया, तो इस वाले पेड़ को मेरे को यहाँ से गायब करना है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी फास्ट मोशन में इसको गायब करता हूँ गाइस। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है, तो ये कुछ देखने में अजीब तो लग रहा है, बट यार देखो डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसा बनाना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत है बट अभी देखेंगे हम, सोचेंगे इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, बाकी यार किसी और के पास कुछ अच्छा डिज़ाइन होगा तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड में भेजना डिज़ाइन, तो मैं मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि मैंने दोनों साइड को एकदम सिमिलर बना रखा है, इस साइड से भी एंड बिल्कुल पीछे से भी, क्योंकि यार देखो आइलैंड जब बड़ा होगा तो ये घास फूस तो सारी की सारी हटनी है, उसमें फिर क्या करेंगे हम आगे से भी मतलब करना स्टार्ट कर देंगे और पीछे से भी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे वुड, जो कि मतलब स्प्रू वो चाहिए साइन बोर्ड, तो यहाँ पर मैं एक भाई का नाम लिखना चाहता हूँ जो कि नाम मैं भूल गया था, तो यहाँ पर फिर से एक बार चेकआउट कर लेते भाई का नाम क्या है। यहाँ पर मेम्बर्स में जाना है, मैनेज फ्रेंड्स में जाना है, उन भाई का नाम था कुछ सनातन कुछ करके था भाई का नाम, तो एक बार चेकआउट करते हैं। वेयर 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 मेरे को देख क्यों नहीं रहे भाई का नाम, सनातन ये रहा, तो ये सनातन DZ5517 सनातन, ओके ठीक है ओके DZ5517, तो यहाँ पर मेरे को लिखना है यहाँ पर सनातन DZ5517। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट मेंबर बन चुके हैं हमारे दोस्त, एंड यहाँ पर यार एक मस्त डिज़ाइन वो भी था, आई थिंक मेरे पे डाई हो तो देख लेते हैं इसको, मैं अगर एक डाई से करके देखूँ और क्या वो काम करेगा या नहीं, पहले चेकआउट करते हैं बस एक बार जस्ट, एंड यहाँ पर एंड पुट कर देता हूँ एंड ओके। ओ लूल गाइस हो गया, हो गया गाइस हो गया, तो यहाँ पर कितना मस्त लग रहा है, एंड यहाँ पर मैं इसको फिर से क्लिक करूँ, चलो हो गया, डाई भी मिल गई है मैं फ्री की, एंड यहाँ पर ये भाई का ये भी नाम हो चुका है सनातन DZ55 के लिए बिग शाउट आउट, तो यहाँ पर ये पूरा शाउट आउट लिस्ट बनने वाली है अब, तो यहाँ पर सबसे बिग भाई इन भाई को, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, एंड यार ये डाई ना सेव करके रखनी पड़ेगी, इस डाई की वजह से बहुत ओपी ओपी काम होने वाले अब,
एंड अलग अलग कलर, क्योंकि यार मेरे डिवाइस में वो नहीं रहता। ओके तो यहाँ पर एक काम तो हो चुका है हमारा, वॉल ऑफ फ्रेम बन चुका है एंड यहाँ पर नाम भी आ चुका है पहले भाई का नाम। तो यहाँ पर अब देखा जाए ये मिनी माइनर्स क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर ये मिनी माइनर है मेरे पास, एफिशिएंसी 2 एंड टायर कुछ है इसका नाम, एंड यहाँ पर हार्वेस्ट माइनर है, यहाँ पर लंबर जैक है। तो यार मिनी माइनर का यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ काम वर्क करता है। यहाँ पर मिनी माइनर को जैसे यहाँ पर पुट कर दिया एंड ओपन इन्वेंट्री, कुछ नहीं है, चलो खाली है। तो ये माइन क्यों नहीं कर रहा भाई, उस साइड डालना पड़ेगा क्या लगता है, तो कुछ ऐसी है। मेरे को यहाँ पर रिमूव करता हूँ एंड इट साइड डाल के देखता हूँ। ओके तो ये वर्क करेगा या नहीं, बस मेरे को जस्ट चेकआउट करना। ओके फाइनली वर्क कर रहा है गाइस, कर रहा है। ओके तो यहाँ पर इसकी इन्वेंट्री देखते हैं एंड हाँ इन्वेंट्री में तो गाइस ये हमारा जो मिनी माइनर है वो भी काम करने लगा है। तो यार मज़ा आ गया। तो यहाँ पर कुछ अब वो ज़्यादा कुछ करने की वो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ईजी लगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा आइलैंड बड़ा कैसे हो गया गाइस, तो यार देखो मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स ने मदद करी थी, जैसे कि अगर आप लोग ये क्लिप देख सकते हो तो यहाँ पर भाइयों ने मेरी मदद करी, जिससे हमने 2 बार बॉस फाइट करी और जो भी मेरे पे टीपी रिक्वेस्ट भेजा था मैं एक्सेप्ट करा था और वो सीधा जाके स्पॉन हो रहे थे वहाँ पर। तो बहुत ही अलग ही सीन देखने का, मज़ा ही अलग था। तो चलो गाइस ये तो कंप्लीट कर लिया हमने, अपना वॉल ऑफ फ्रेम कर लिया एंड यहाँ पर एक मिनी माइनर मिल गया हमें, जो कि बहुत बढ़िया। भाई को शाउट आउट जाता है हमारे सनातन भाई के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेस्ट की, जो कि मैंने बात करी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को चैट ऑन करनी पड़ेगी, ऑफ कर देता हूँ मैं हमेशा। ओके तो यहाँ पर क्वेस्ट देखते हैं आप, चैलेंजेस या क्वेस्ट कह सकते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस देखते हैं हमारे पास डेली चैलेंजेस है, कौन कौन से चैलेंजेस बाकी हैं हमारे यहाँ पर चैलेंज। ओके तो यहाँ पर देखते हैं मेरा भाई स्टार्टिंग का कंप्लीट हो चुका है, बैंकिंग का कंप्लीट हो रहा है, ट्री चॉपर का कंप्लीट हो चुका है। अब बचाएगा इस लाइफ स्टॉक का, जो कि हमारा इन प्रोग्रेस में है, तो हमें इसके लिए लॉबी में जाना पड़ेगा। ओके तो चलो गाइस सिंपल लॉबी में जाते हैं हम। ओके तो यहाँ पर अब मेरे को ढूंढना है अपना मॉन्स्टर स्पॉनर कौन बेचता है भाई, आई थिंक यही बेचता है यूटिलिटीज़ में, ज़रा चेकआउट कर लेते हैं। यारा मॉन्स्टर स्पॉनर जो कि आप लोग इजी पीजी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को सिंपल एक बाय करना, जो कि 30,000 का आप लोग इजी पीजी ग्राइंड करके खरीद सकते हो। ओके तो यहाँ पर मॉन्स्टर स्पॉनर मिल चुका है, अब मुझे अपने आइलैंड पे जाना है। तो यहाँ पर सिंपल ISGO लिखेंगे हम, ISGO एंड सीधा हम अपने आइलैंड पे पहुँच जाएंगे। टैप टू रिटर्न, ओके तो यहाँ पर हम आ चुके। अब भाई लाइव स्टॉक का मेरे को नहीं पता, ये लेवल 1 का स्पॉनर है मेरे पे जहाँ तक है, एंड मॉन्स्टर स्पॉनर लिखा हुआ है, मेरे को ये भी नहीं पता कि लेवल 1 का है 2 का है, बट कोई बात। तो यहाँ पर मेरे को चैलेंजेस पे क्लिक आउट करके देखना पड़ेगा एंड यहाँ पर चैलेंजेस और चेकआउट करना पड़ेगा कि सही में कौन सा चैलेंज है। एंड लाइव स्टॉक पे क्लिक करके देखता हूँ, मेरे को स्ले करना है चिकन्स को, रैबिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को चिकन्स एंड रैबिट चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले चाहिए होगा एक सोड एंड इजी पीजी। यहाँ पर सोड ले ली मैंने एंड यहाँ पर स्पॉन देखते हैं भाई कहीं जॉम्बी ना स्पॉन हो जाए। ओके चिकन, यहाँ पर चिकन ही स्पॉन हो रहा है, मैंने क्या बोला था लेवल 1 का चिकन का ही होता है, स्लैश एंड यहाँ पर स्लैश। अबे मारे क्यों नहीं रही भाई, इतनी भी लाइफ नहीं होती इनकी। ओके यहाँ पर देखो प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो यार आओ जल्दी जल्दी, अब इनको स्लैश करना है बस मेरे को, अब सिंपली एंड यहाँ पर स्लैश करते हैं एंड मेरे को पता कैसे मारना है पट। अबे इनकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही है, अरे यार दो दो हिट में मारना पड़ेगा क्या। चलो गाइस इसको मैं अपनी बड़ी वाली सोर्ड से कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे और मेरे पे सोर्ड ही नहीं थी, भूल गया था मैं। आई थिंक एक्स का डैमेज इसको ज़्यादा पड़ेगा। आधा स्पॉन हो जाए प्लीज़, एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम इसको फास्ट मोड में क्लिक आउट कर देंगे, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे। चालू हो जा एंड ये चैट फिर से ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। ओके तो यहाँ पर ये 15 वाला हो चुका है, अब मेरे को चाहिए लेवल 2 अपग्रेड करना है। तो लेवल 2 में ये पता नहीं कौन सा अपग्रेड होगा, अब लेवल 2 का तो हो चुका है, अब चेकआउट करना है। यहाँ पर ये क्या है, अभी भी चिकन है। ओके रैबिट आ चुका है गाइज, मैं कह रहा था रैबिट आ चुके हैं यहाँ पर, तो रैबिट इजी पीजी। तो यार लेवल 1 हमारा चिकन का होता है, लेवल 2 जो हमारा रैबिट का होता है। भाई इन रैबिट का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है क्या, मेरे को तो लग रहा है कहीं मारना ना चालू कर दे ये रैबिट। देख रहे हो यार नॉर्मल रैबिट से तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो इन लोगों ने अच्छा करा है। एंड लेवल 3 में आई थिंक काऊ का होता होगा या फिर पिक का होता होगा, हाँ पिक का होता होगा शायद से। तो कोई बात नहीं, वो लाइव स्टॉक के आगे हैं, तो यहाँ पर ये कंप्लीट करा जाए। ओके, तो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होने वाला, बस इस लास्ट वाले को मारना है और इजी पीजी गाइज हमारा हो चुका है कंप्लीट। एंड वेर अबे ये उगते रहेंगे भाई, वेट हमारा चैलेंजेस है जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये लोग रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं, रुक जाओ गाइज सबर करो। ओके फाइनली यहाँ पर अब इसको तोड़ लिया जाए, आई थिंक शिफ्ट से तोड़ सकते हैं हम या फिर कहाँ से, रुको यार तोड़ के देख लेते, पता चलेगा मिलेगा या नहीं। मिला या नहीं मिला, मिल गया जी गाइज, लेवल 2 का स्पॉनर है हमारा।
तो इजी पीजी मिल चुका है। यानी ये जो रैबिट हैं हंसते खेलते हुए, इनको अभी के लिए रुको भाई, ये थोड़ा वैसा होगा। और अब भाई कितने बेकार है यार, आगे पीछे तो होते ही नहीं है। और मार के कर सकता ना मैं, सही है यार, चलो जाओ। वे अबे अचानक से क्या हो गया इसको, अबे हद हो गई भाई इन रैबिट्स के मूड में कुछ अलग। ओ गाजर की खेती होगी मेरी उधर, हाँ तभी सोचूं मैं भाई गाजर की खेती के पीछे ना कुछ ज़्यादा। अब मर लो तुम लोग, रहन दो, मैं दरिया दिल नहीं हूँ इतना। खामा खा नूबड़े सब के सब भाग रहे हो, ए तुम्हारा आइलैंड नहीं है, ठीक है ना, चलो निकले यहाँ से। ए चल बहुत हो गया तेरा, बहुत उछल कूद कर ली तूने, मेरे गाजर खाने की प्लानिंग बना रहा है। ओके फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, अब चेकआउट करते हैं हमारा कौन सा वो रह गया है क्वेस्ट, जो कि चैलेंजेस है हमारा। मैंने यहाँ पर चैलेंजेस अब आ रहा है लाइफ स्टॉक 2 का। ओके तो यहाँ पर वही है भाई, काओ और पिक को मारना है, जो कि 25,000 पाउच देंगे ये उसके लिए। एंड यहाँ पर डायमंड सोर्ड देंगे जो कि शार्पनेस 2 वाली है, तो इजी है यार ये वाली। बट मैं आज ये कंप्लीट नहीं करना चाहता, मैं इसको अगले वीडियो के लिए कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो गाइज हमने आज अपना हॉल ऑफ फेम बनाया, 2 क्विस्ट कंप्लीट करें, एंड यहाँ पर साथ में अपना मिनी माइनर भी कंप्लीट कर लिया, और जो कि हमें अच्छी खासी इन्वेंट्री में लूट देगा। इसको भी थोड़ा वो मस्त, ओ डायमंड भी दिए थे इसने, अरे भाई साहब ओपी गाइज ओपी। ओके तो यहाँ पर देखो डायमंड भी माइन कर रहा है, तो चलो अब अपना आउटड्रो कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही आप लोगों को अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो हम मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।